हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप सभी सुन रहे हैं कुणाल की हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं रूम नंबर 19 की बिल्कुल खौफनाक कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक सुनिएगा, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी को। हेलो राहुल, मैं रिया बोल रही हूँ। प्लीज़ यार, मुझे रेंट पर एक फ्लैट दिलवा दो, मैं शहर में नई आई हूँ। आखिर कब तक होटल में रह पाऊँगी यार, मेरी सारी सैलरी तो होटल के रेंट में ही ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ अरेंज करवा दो। रिया, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही इस शहर में नई आई थी, उसकी नई जॉब लगी थी एक MNC में एक अच्छे पोस्ट पर, इसलिए वो इस शहर में ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी, बस ऑफिस के लोगों से ही जान पहचान हो गई थी। उन्हीं में से एक ये राहुल था जो उसके साथ ही उस कंपनी में जॉब करता था। राहुल ने रिया से कहा, देख रिया, इस शहर में हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन रहने के लिए जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। हाँ, एक फ्लैट तो है मेरी निगाह में, लेकिन वो काफ़ी सुनसान एरिया में है। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे तो पता ही है कि मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा ठीक है, तो तू मुझे शाम को 6 बजे ऑफिस के बाहर मिल, मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा। ओके, रिया ने ये कहकर फ़ोन कट कर दिया। शाम के ठीक 6 बजे रिया राहुल के साथ उसकी कार में थी। थोड़ी देर में ही उनकी कार शहर के नए नए बसे एरिया में थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लेकिन ज़्यादातर खाली। उन्हीं में से एक बिल्डिंग के सामने राहुल ने कार रोक दी और फिर रिया से बोला, देख रिया, वो फ्लैट इसी बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर है और नंबर है 19। तू ये फ्लैट की चाबी ले और देख ले जाकर, तुझे कोई भी सामान लाना नहीं पड़ेगा। राहुल, तू नहीं आएगा मेरे साथ? नहीं यार, मुझे कुछ काम है, मैं तुझे कल मिलता हूँ ऑफिस में। ठीक है राहुल। और रिया राहुल से फ्लैट की चाबी लेकर कार से उतरकर उस बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हो गई। कुछ देर में ही वो 7th फ्लोर के 19 नंबर के फ्लैट के सामने थी। उसने वो चाबी निकालकर उस फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर जाने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उस दरवाजे को अंदर से पकड़कर खड़ा हो। उसने एक बार फिर से जोर लगाया और इस बार दरवाज़ा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अंदर जाकर टटोलकर स्विच बोर्ड ढूंढा और स्विच ऑन करा। कमरे में लाइट जलने पर रिया ने गौर से कमरे पर निगाह मारी। सामने दीवार पर LED टीवी लगा था और उसके ऊपर एक फ़ोटो फ्रेम लगा था जिसमें किसी 24 या 25 साल के लड़के की फ़ोटो लगी थी जिस पर चंदन का हार चढ़ा हुआ था। शायद वो मर चुका था। और उसी दीवार के सामने ठीक बढ़िया सा सोफ़ा सेट था। एक तरफ बंद फ्रिज रखा था और उसी रूम के बगल में दूसरा रूम था, उसमें डबल बेड पड़ा था, साथ में बाथरूम और दूसरी साइड में किचन। वो चलते चलते थक चुकी थी। वो अपने सैंडल उतार कर निढाल होकर आराम से सोफे पर बैठ गई और वो अभी बैठी ही थी कि उसके बैठते ही सामने दीवार पर लगा TV अपने आप ही चालू हो गया। रिया चौंक गई। उसने उठकर देखा तो उसके नीचे TV का रिमोट पड़ा हुआ था।
उसने मुस्कुराते हुए एक ठंडी सी सांस ली और फिर उसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया। लेकिन उसके बैठते ही वो टीवी फिर से अपने आप ही चालू हो गया। अब उसके घबराहट के मारे माथे पर पसीने आने लगे थे। उसने खड़े होने के लिए जैसे ही नीचे पैर रखे तो वहाँ से उसके सैंडल गायब थे। वो काफ़ी मजबूत दिल की लड़की थी, जल्दी घबराती नहीं थी, लेकिन आज उसे कुछ घबराहट सी महसूस होने लगी थी। तभी उसका ध्यान अपने कंधे पर गया। वहाँ पर खून जैसा कुछ लाल लाल लगा हुआ था। उसकी घबराहट और बढ़ गई। फिर उसने हिम्मत करके बाथरूम में जाके वो खून जैसे धब्बे को छुटाने की कोशिश की। बाथरूम में वॉश बेसिन के पास जाके वो धब्बे छुटाने लगी। तभी लाइट अपने आप बंद हो गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, इतनी तेज़ी कि उसे अपनी धड़कन खुद सुनाई दे रही थी। उसने अंधेरे में टटोला तो वहीं वॉश बेसिन पर एक लाइटर पड़ा था, जो उसने उठा लिया। और जैसे ही उसने उस लाइटर को जलाया तो वो चौंक कर पीछे हट गई। उसके सामने एक आईना नज़र आया। उसे अच्छे से याद था कि जब वो बाथरूम में आई थी तब वो आईना वहाँ नहीं था। तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो उसके पीछे खड़ा होकर वो बोल रहा हो, मेरा बेटा मरा नहीं, उसे मारा गया है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चली जाओ यहाँ से। रिया के डर के मारे हालत ख़राब हो गई। चीखना चाहते हुए भी वो चीख नहीं पा रही थी, जैसे जबान को लकवा मार गया हो। वो बड़ी तेज़ी से बाथरूम से निकलकर दूसरे रूम में भागी। और जैसे ही वो रूम में पहुंची, तो वो बेड अपने आप बड़े जोर जोर से हिलने लगा। उसका डर के मारे खून सफ़ेद होना शुरू हो गया। वो वहां से भागकर टीवी वाले रूम में आई तो देखा कि सामने बंद पड़ा फ्रिज खुला और चालू था, जबकि उसका तार अलग पड़ा था और फ्लैट में लाइट भी नहीं थी। उसकी डर के मारे हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो साफ साफ उस गर्म सांसों को अपनी पीठ पर महसूस कर सकती थी। उसका सारा शरीर सुन्न हो गया था, हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से सारी ताकत इकट्ठा करके वो पीछे की तरफ मुड़ी और फिर हाथ में पकड़े लाइटर की रोशनी में जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई और फिर वो बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसने लाइटर की रोशनी में उसी लड़के को देखा था जिसकी फ़ोटो सामने दीवार पर लगी थी। तभी फ्लैट की लाइट आ गई और फिर साथ ही कुछ लोगों की हंसने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। हंसते हंसते उन आवाज़ों के साथ ये आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, हैप्पी बर्थडे रिया। और फिर 6 साल लड़के लड़कियां, कोई सोफे के पीछे से तो कोई बेड के अंदर से तो कोई कहीं से निकलकर बाहर आने लगे, जिसमें से एक वो लड़का भी था जिसकी फ़ोटो दीवार पर लगी थी। सब जोर जोर से हंसते हुए ज़मीन पर बेहोश पड़ी रिया को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक राहुल भी था जो उससे कह रहा था, चल जल्दी उठ, ये बेहोशी का नाटक मत कर, हमें पता है कि तू नौटंकी कर रही है, तूने भी हमें खूब डराया था, आज हम सबने मिलकर तुझसे सारा बदला ले लिया, चल जल्दी खड़ी हो, दूसरे कमरे में केक रखा है, चल खड़ी होकर काट चल के। उसकी बात सुनकर रिया ने लेटे लेटे ही आँख खोल दी और बोली, तुम सब चलो मैं आती हूँ। वो सब उस रूम में चले गए और साथ में सबसे पीछे पीछे रिया भी उस रूम में चली गई। और उस रूम में घुसते ही उसने उस रूम को लॉक कर दिया और थोड़ी देर में ही उस रूम में से उन लड़के लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी।
और इधर इस रूम में रिया की बेजान लाश अब भी फर्श पर पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ एक और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।